यार हद हो गई है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, आप डोमिनेट करते हो पूरी दुनिया की क्रिकेट में, और आप वेन्यू अभी तक जो है ना वो शफल करने की सोच रहे, ये सब माइंड बॉगलिंग। आदमी बिलीव नहीं करता, इट्स अमेजिंग थिंग, इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ बीसीसीआई और जय शाह। तो मतलब है कि मैं इस हद तक कहने को तैयार हूँ, हालांकि क्रिकेट में इस तरह की बातें नहीं चलनी, कि शर्म आनी चाहिए। और मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान की साबिक कप्तान भी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, प्रेजेंटर हैं और हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम सना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और ऑफ एयर भी बात कर रहा था सना, बड़ी नाराज भी लग रही थी, परेशान भी लग रही थी अफगानिस्तान सीरीज को देखे कि अफगानिस्तान की टीम को आखिर हो क्या गया, फेवरेट टीम इनकी अफगानिस्तान वैसे। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान सीरीज की, तो पाकिस्तान ने बड़ा एक जबरदस्त स्टार्ट लिया है अफगानिस्तान सीरीज को। इंपॉर्टेंट सीरीज है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि तीन मैचेस अगर आप जीतते हैं तो नंबर वन स्पॉट पे आ जाएंगे, लेकिन कुछ मामला देखें, अगर हम जीतते भी हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, पाकिस्तान की बैटिंग, क्योंकि जिस तरीके से कल पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात में नजर आपको आई, कोई भी इतना कोई हाई स्कोर नहीं कर सका सिवाय इमामुल हक के। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 201 स्कोर पाकिस्तान ने किया था, 59 रन पे पूरी टीम अफगानिस्तान की आउट हुई। पाकिस्तान ने 142 रन से ये मैच जरूर जीता है। हारिस रौफ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, पांच खिलाड़ियों को यहां पर आउट किया, लेकिन जब से कल से एक जो इफेक्टिवनेस आपको फास्ट बॉलिंग आपको पता है पाकिस्तान की हमेशा परफॉर्म करती हुई आ रही है, अब जाके वापस वो एक चीज मोमेंटम और शोर मचना शुरू हो चुका है कल से, के पाकिस्तान के जो 30 ओवर्स हैं फास्ट बॉलर्स के, ये डेडली ओवर्स होंगे किसी भी टीम को खेलने के लिए। तो बैटिंग के अंदर मैं कहता हूं कि शायद पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान सीरीज में आपको पता है एक अफगानिस्तान सीरीज से पहले अब बाबर आजम का एक कोट बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि बुढ़ा हो गए हैं शदाब खान को, लेकिन कल जिस तरीके से शदाब खान ने कल कैच पकड़ा है तो वो बार बार चीज आ रही थी, और शदाब खान ने कोट भी किया ट्विटर के ऊपर जिसमें लिखा था मैं बूढ़ा नहीं हुआ। और ऑब्वियसली जिस तरीके से कल फील्डिंग नजर आपको आई है शदाब खान की, क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने बिल्कुल भी अफगानिस्तान प्लेयर्स को जो उनसे ईजी रिलैक्स नहीं होने दे, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम आपको पता है ज्यादा पिंच हिटिंग में जानी जाती है, लेकिन कल एक बड़ा डिफरेंट अपना मोमेंटम पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का नजर आया। एक प्लस पॉइंट यहां पर यह भी था कि आपके नसीम शाह की बात करूं स्पेशली, वो श्रीलंकन प्रीमियर काफी अर्से से खेल रहे हैं तो उनको आइडिया है इन विकेट्स का कि किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। विकेट पे भी बहुत ज्यादा तनकीद की, इस पर भी सना से मैं लाजमी पूछना चाहूंगा आखिर विकेट कितनी इंपॉर्टेंट थी यहां पर, क्योंकि कुछ ना कुछ तनकीद विकेट पर भी की जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया कप की तैयारियां अरूज पर है, और नेपाल की टीम जो उनसी है वो कराची पहुंच चुकी है, जहां पर नेपाल ने आपको पता है ये कहा था कि हम पहले पाकिस्तान आना चाहते हैं ताकि हम लोग यूज टू कंडीशंस को भी, हमें प्रैक्टिस का टाइम भी मिल सके, उसके बाद नेपाल की जो टीम है वो पहला मैच खेलेगी एशिया कप का मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ, और इस वक्त वो टीम कराची में मौजूद है जहां पर प्रैक्टिस सेशन का बाकायदा आगाज कल से स्टार्ट करेगी और वार्म अप मैचेस भी खेलेगी। और एक अच्छा गेस्चर है यहां पर, आपको पता है कि कुछ मामला थे जिसकी वजह से एशिया कप जो उनका शिफ्ट हो रहा था पाकिस्तान से, लेकिन अप्रिशिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बाकी मामला को जिस तरीके से उन्होंने इसको होल्ड करके रखा कि कुछ मैचेस जो उनसे हैं वो पाकिस्तान में आखिरकार हो रहे हैं। कर्नल शाद साहब की फैमिली को, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए कि हमारे साथ वो शो भी करते रहे मेरे सना के साथ यहाँ पर पीटीवी में, वो परमानेंट हमारा हिस्सा भी रहे शोज का, बड़ी एक हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट था। और मुझे बिल्कुल जो उनसे आप कह सकते हैं कि बिलीव नहीं था, कि अनफॉर्चुनेट था कि आधी रात को जब टेक्स्ट आया कि उनकी डेथ हुई है, तो उनकी कॉन्डोलेंसेज है उनकी फैमिली के लिए, अल्लाह के साथ उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सना, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज। कुछ मामला जो मैं ऑफ एयर भी बात कर रहा था कि पाकिस्तान फेवरेट जरूर है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से आपने कल देखा कि एकदम ढेर हुई है पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये मामला होगा, पहला वनडे मैच है, लेकिन अब बॉलिंग आपकी अप टू दैट मार्क रही है, लेकिन जीते हैं तो शायद मैं कहता हूं कि वो चीज़ ना भूल जाएं कि आपकी बैटिंग कंसर्न हो सकती है आगे जाके। देखिए ओवरऑल जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है इस टीम का बड़ा बैलेंस्ड है, बैटिंग में ज़रूर, मिडिल में अभी भी हम सोच सकते हैं कि क्या बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि टॉप थ्री आपके काफ़ी सेटल्ड हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल अनफॉर्चुनेटली बाबर बहुत अरसे बाद में, हज इतनी लंबा उनका करियर है, चौथी डक उनकी है, तो उस लिहाज से जनरली वो आते हैं तो क्रीज पर टाइम लेके सेटल करते हैं चीज़ों को। बड़े अरसे बाद ये हुआ कि बैक टू बैक दो विकटें गिरी, तो आपका मिडिल ऑर्डर पर वो प्रेशर आया जो एक ज़माने में कंसिस्टेंटली आपके मिडिल ऑर्डर पर आया करता था, क्योंकि टॉप ऑर्डर आपका स्ट्रगल कर रहा होता था। बट अभी अच्छी चीज़ ये है कि फ़खर जमान है, इमामुल हक हैं, दोनों टॉप रैंकिंग में, टॉप फाइव रैंकिंग में मौजूद हैं, फिर आते हैं बाबर आजम जो नंबर वन दुनिया के प्लेयर हैं, तो इस तरह का प्रेशर जैसे हमने कल देखा मिडिल ऑर्डर पे वो बड़ा कम आ रहा है कुछ अरसे से। बट अब जब आया है तो उसमें और मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑब्वियसली रिजवान की विकेट भी जल्दी गिरी, कदरे जल्दी गिरी, इफ्तिखार के आने पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिली है इनिंग्स को, बट वहाँ से भी आप चाहेंगे कि लंबा लेके जाएं।
उस तरह से एक मोमेंटम नहीं था इनिंग्स का, लो स्कोरिंग पिच जरूर थी, पर जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग है, अगर वो 250-260 तक जाते तो तब वो अपने पोटेंशियल को टच करते। तो ये था कि कल ऑब्वियसली 50-60 रन इस विकेट पे वो शॉर्ट थे, और वो उनको खुद भी पता होगा कि हम लोग शॉर्ट थे, ऑल आउट की तरफ गए कल अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बट उसके बाद जो बैक कम बैक किया पाकिस्तान ने सिर्फ 20 ओवर के अंदर अंदर अगली टीम को पवेलियन वापस कर दिया। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बॉलिंग पे तो मैं आऊंगा लेकिन मैं बैटिंग पे आना चाहूंगा। जब मैच स्टार्ट हो रहा था तब भी मैंने ये बात कर रहा था, मेरे जेहन में था सीरीज स्टार्ट होने से पहले, कि पाकिस्तान टीम को अब ये चीज तो दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि 250-260-280 स्कोर करना है वनडे के अंदर। अब आपको पता है जो एवरेज स्कोर है, वो मैं बात कर रहा हूँ 300-300 प्लस तो हो जाए एवरेज स्कोर है वनडे के अंदर, आपको उस चीज पे जाना पड़ेगा। मगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी सीरीज स्टार्ट होने से पहले कि हम बात करते हैं आखिरी ओवर्स की, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है जहां पर आपने एक्सेलरेट करनी होती है अपनी इनिंग्स को, मोमेंटम आपने बना के रखना है, वो बड़ा चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए, जो कल भी मुझे नजर आ रहा था कि स्पिन बॉलिंग के आगे पाकिस्तान प्रेशर के अंदर नजर आपको आया। देखिए जो आप बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट की एवरेजेस की, वहाँ पे पिचेस की फिर एक खास स्टैंडर्ड ऑफ पिचेस भी रिक्वायर्ड है। इस पिच के ऊपर आप 50-60 रन शॉट थे, इस पिच पे 350 रन नहीं बनता। आप किसी भी बैटिंग लाइनअप को लेके आ जाएंगे, वो इधर 350 रन नहीं बनाएंगे, 260-270 मैक्सिमम, 280 बहुत ही ज़बरदस्त खेल लिया क्योंकि बहुत लो विकेट था, ब्रेक भी बहुत ज़्यादा था, तो 250-260 एक अच्छा स्कोर था। वो 50-60 रन आप शॉट थे, और उसकी एक वजह यही है कि मोमेंटम नहीं आया मिडल ओवर्स में, सेट होके प्लेयर्स आउट होते रहे 20 रन बना के 30 रन बना के। जहां मैं बात कर रही हूं इफ्तिखार का आउट होना, आई थिंक वहां पे ऑब्वियसली एक बड़ा झटका पाकिस्तान लोगों का, फिर आके शादाब ने उसको किया, बट 30s में रहे हमारे प्लेयर्स। एक बड़ी 50 मतलब एक 60 किया इमाम ने, एक और बड़ी 60 होती तो ऑटोमेटिकली 230 तक आपका स्कोर चला जाता। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने इम्प्रूव करनी है। मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पिचेस बेहतर होंगी यही लोग स्कोर भी करेंगे, बट मे बी आपको कोई एक दो चेंजेस मिडल ऑर्डर में और जो ऑलराउंडर्स जो आप खिला रहे हैं उसमें आपको आगे जाते हुए करनी पड़े। बात होती है ऑब्वियसली मैं बैटिंग पे अगर आऊँ तो आप भी कह रही थी कि शायद कुछ चेंजेस अपना एक्सपेक्टेड होनी चाहिए अगले मैच में। अगर बैटिंग स्कोर कार्ड को देखूँ, फखर जमान भी स्पिन बॉलिंग पे आउट हुए हैं, इमामुल हक भी बड़ा ज़बरदस्त खेलते रहे, अब वो भी स्पिन का शिकार है, बाबर आजम की बात करूँ, आगा सलमान की बात करूँ, जहाँ पर आगा सलमान खेल रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है पाकिस्तान के, लेकिन ऑडिए की बात करूँ अभी भी इनकन्सिस्टेंसी रही है उनके अंदर। साउथ शकील को देखनी है अगले मैच में। देखें स्पिन पे आउट होने का मकसद एक तो ये, जैसे हमारे पास तीन आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर्स हैं, अफगानिस्तान बैंक करते हैं अपने तीन स्पिनर्स पे, वो हर मैच में अपने 30 ओवर पूरे कराते हैं। अगर आप इस मैच में भी देखें तो सिर्फ स्पिनर्स हैं जिन्होंने 10-10 ओवर कराए हैं, उसके अलावा उनके फास्ट बॉलर्स कोई भी एक भी बॉलर 10 ओवर नहीं करा सका। ये एक ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन है जो अफगानिस्तान जिस कॉम्बिनेशन से खेलता है उस पर बेहतरी होने की ज़रूरत पाकिस्तान की ज़रूर है। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आप ज़रा बेहतर स्पिन को खेलें। मैंने दो ही लोगों को पॉइंट आउट कल भी किया था जब हम 11 की बात कर रहे थे, एक आगा सलमान और इफ्तिखार वाला जो जगह है, ऑब्वियसली आगा सलमान को ज़्यादा मैं देख रही हूँ, और दूसरा उसामा मीर को। उसामा मीर भी ऑब्वियसली बहुत हाईली टैलेंटेड है, पर मोहम्मद नवाज़ मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं। कल बहुत ज़बरदस्त स्पिन ट्रैक था, उसके ऊपर थोड़े एक्सपेंसिव रहे। अगर हम देखें उसामा मीर को 3 ओवर्स में 18 रन दिए, बैटिंग में भी उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। अभी एक ही मैच हुआ है, अगला मैच भी देखते हैं, बट मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि मोहम्मद नवाज जो हैं, क्योंकि एक तो लेग स्पिनर आपके पास शादाब मौजूद है जिन्होंने कल एक ही ओवर में मेडन पे विकेट भी ले ली, बैटिंग में भी बहुत क्रूशल रन्स शादाब के, जो आप 200 तक पहुँचे उसमें शादाब के रन्स बड़े क्रूशल थे, तो इसलिए मोहम्मद नवाज और शादाब खान आई थिंक ये एक बहुत ही आप बहुत लकी हैं इस वक्त पाकिस्तान कि आपके पास ऐसे दो ऑलराउंडर्स मौजूद हैं जो स्पिन बड़ी अच्छी करते हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो सारी डिबेट ये चल रही है कि उनके कोई ऐसा बैटर नहीं है जो बॉलिंग भी कर सके, तो आई थिंक इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ज़रूर उठाना चाहिए इस वर्ल्ड कप में। ठीक है उसामा मीर अच्छे बॉलर हैं, इसमें मैं कोई शक नहीं करती, बट एज अ ऑलराउंडर अगर ज़्यादा डिवेलप हो चुके हैं आई थिंक वो मोहम्मद नवाज़ हो चुके हैं, और उस डिवेलपमेंट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको याद हो जो लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था 2011 का, उसमें युवराज सिंह का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, तो जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स होंगे जो बैटिंग भी करना जानते हो बॉलिंग भी, वो इंडिया के वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ही क्रूशल होंगे। और पाकिस्तान बहुत लकी है कि दो जेन्युइनली डेवलप्ड ऑलराउंडर्स जिनको जिनके ऊपर आप दोनों चीजों का लोड डाल सकते हैं वो आपके पास मौजूद। एक इसमें क्योंकि सर प्लस पॉइंट ये है ना कि एक आपके पास राइट हैंड है
और एक जोन्स आपका लेफ्ट हैंड है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बड़ा डिपेंड करता है जब आप करते हैं। एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट हैंड बैट है, लेफ्ट हैंड बैट है, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इससे बेहतर हो नहीं सकता। आपको बॉलर्स को भी कर 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की विनिंग जो एवरेज रही है परसेंटेज, दूसरी जो फुल मेंबर नेशंस हैं, इंग्लैंड की बात करें चाहे दूसरों की बात करें, तो वो नंबर वन रही है लिस्ट के अंदर, इसको टॉप पे है जिस तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्म करी। लेकिन जब आप बैटिंग की बात करते हैं, अपना बात करें तो शेख साहब भी, अगर मिडल ऑर्डर की बात करूं, जहां पर आपको जैसे कल एक इशू था, पिच टफ थी, आसान नहीं था इस विकेट के ऊपर स्कोर करना, आपको एक बैट्समैन चाहिए होता है जो कि स्लो इनिंग्स को क्रम्बल जो इनिंग्स होती है आपकी बिल्ड करे। तो साउथ शकील, इसलिए मैं कह रहा था कि शायद एक कॉम्बिनेशन भी आपका बीच में आ जाता है राइट एंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन का, तो शायद वो ज्यादा सपोर्टिव आपके लिए होते। देखिए, जहां हम बात करते हैं सक्सेस रेट्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर दोनों टीम्स, जिन आप दो टीम्स को फॉर एग्जांपल या तीन टीम्स को कंपेयर करें, उनकी ऑपोजिशंस को भी फिर देखेंगे, वो लोग किन ऑपोजिशंस के अगेंस्ट खेल रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ मैचेस ऐसे थे जो फुल फ्लेज टीम्स नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट इंडीज की टीम आई तो वो नॉर्मल अपनी टीम इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं लेके आई, और बड़ी कम क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने अगर वनडे की बात करें एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, पर जितना मौका मिला है पाकिस्तान ने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। ओवरऑल यूनिट आपकी माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम है। साउथ शकील को बिल्कुल, मैं कल भी बात कही थी हॉर्सेज फॉर कोर्सेज वाली बात है, जिस जगह पर आपको नज़र आ रहा है कि आपको मे बी स्टेबिलिटी जिस पिच के ऊपर चाहिए होगी, वहाँ पे आप साउथ शकील जैसे प्लेयर को ला सकते हैं। जहाँ पे मे बी आप चाहेंगे कि आपको मजीद एक्सेलरेशन चाहिए, आपको बड़े स्कोर्स चाहिए, वहाँ पे आप तैयब ताहिर को भी ला सकते हैं। बहुत डिफरेंट ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और आई थिंक जो थिंक टैंक है आपके पास अच्छे लोग मौजूद हैं सिलेक्शन कमेटीज़ के अंदर भी, तो आई थिंक वो ज़रूर इन चीज़ों को देख रहे होंगे, और इसीलिए अफगानिस्तान की सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए बिफोर द वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान पे जरूर आना चाहूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करूं, एशिया कप में भी अगर बात करूं, तो पाकिस्तान लाइकली मेरे लिए भी फेवरेट है कि पाकिस्तान क्लिंच करेगा टाइटल, क्योंकि इंडियन अगर स्क्वाड की मैं बात करूं, उनके पास वही टॉप फोर बैट्समैन है जो एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। केएल राहुल भी वापस आ रहे हैं इंडियन टीम में, और आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। अगर टेल की मैं बात करूं, जहां तक चाहे वनडे की बात करें चाहे टी20 की, तो टेल भी अगर 30-40 रन आपको कर जाती है काफी डेंट पहुंचाती है दूसरी टीम को। पाकिस्तान की टेल थोड़ा नीचे जाके आपको स्टार्ट होती है। अगर इंडियन टीम की बात करूं तो टेल उनकी थोड़ी लंबी है, तो ये भी पाकिस्तान बॉलर्स के पास एज एक मौजूद होगा। देखिए, ओवरऑल आई थिंक टीम्स बैलेंस में हैं। इंडिया की भी टीम बड़ी अच्छी ओवरऑल शेप अप हुई हुई है, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो वो थोड़ा सा उसको एज दे देता है। डेफिनेटली पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत लंबी हो गई, और आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान का अपना एशिया कप का रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए, क्योंकि 7 दफ़ा इंडिया जीत चुका है, 6 दफ़ा श्रीलंका जीत चुका है, पाकिस्तान सिर्फ 2 बार एशिया कप जीता, तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम है जिस तरह का ओवरऑल आपके पास टीम मौजूद है कि पाकिस्तान उस रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा बेहतर कर सकता है ऑब्वियसली। लेकिन बैलेंस में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का स्क्वाड वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड स्क्वाड्स एशिया कप के लिए। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते और वापस आते हैं शो पे। के वर्ल्ड कप और एशिया कप, उसके अलावा हमारे पास सीरीज नहीं है कि हम लोग ज्यादा कॉम्बिनेशन को यहाँ ट्राई करें, लेकिन मैं एशिया कप पे आना चाहूंगा। इस वक्त नेपाल की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है कराची, इस वक्त आज वो पहुंची है टीम यहाँ पर कराची में, कल से अपना प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी, और नेपाल ने रिक्वेस्ट की थी कि हम पहले यहाँ पर आना चाहते हैं ताकि एक तो यूज्ड हों कंडीशंस को, वेदर कंडीशंस को, और यूज्ड हों इन कंडीशंस को हमें प्रैक्टिस मिल सके। पहला मैच नेपाल ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान स्टेडियम में सना खेलना है। एक तो चीज़ एक्साइटेड मैं ये भी हूँ कि एटलीस्ट आपने एक्सपैंड की है कि आपने स्टेडियम एक नया यहाँ पर चूज किया मुल्तान को। खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान वर्सेज नेपाल मैच में ऑल द टिकट्स आर सोल्ड आउट। बिल्कुल, और अच्छा मैच होना चाहिए। नेपाल भी एक ऐसी टीम है जो बड़े थोड़े अरसे में बड़ी अच्छी इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। अगर अभी इमर्जिंग कप की बात करें तो उनमें इनकी पूरी ऑलमोस्ट मेन टीम ही खेली थी, और पाकिस्तान की तरफ से भी आपकी काफ़ी अच्छी टीम खेली थी, और बड़ा तगड़ा मैच हुआ था एंड पे जाके, थोड़ा सा क्लोज भी हो गया था, थोड़ा टू क्लोज फॉर कम्फर्ट फॉर पाकिस्तान टीम। बट ऑफकोर्स पाकिस्तान की जो मेन टीम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जनरली नज़र आना चाहिए, बट नेपाल की टीम की ओवरऑल मैं एक बात ये कर रही हूँ कि इम्प्रूव कर रही है हर सीरीज के साथ साथ, इनकी चाहे लड़कों की टीम हो चाहे लड़कियों की टीम हो, ये अपनी क्रिकेट को सीरियस ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, और इसीलिए सीरियसनेस एक ये भी शो करती है कि ये लोग एक्स्ट्रा पैसे लगा के पहले आके इधर खेलना चाह रहे हैं और कंडीशंस को समझना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी एक पॉजिटिव साइन है, कीननेस दिखाता है किसी क्रिकेटिंग नेशन का कि वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि मुल्तान में मैच सोल्ड आउट है, हमने PSL के भी देखे मैचेस, जब भी मुल्तान में हुए बड़ा ज़बरदस्त क्राउड आया, खूब वो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, तो बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये मैचेस तो पाकिस्तान में खेले। नेपाल का थोड़ा सा, क्योंकि एशिया कप भी एक केस स्टडी जरूर है पाकिस्तान के लिए कि
चाहे थोड़े मैचेस हैं, किस तरीके से एक बड़ा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन नेपाल की मैं बात करूँ तो यूएई ने कुछ मैचेस खेले नेपाल के अंदर जाके, जहां पर मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना स्ट्रांग क्राउड नेपाल का क्रिकेट लवर वहां पर मौजूद है। फुल जैम पैक स्टेडियम आपको नजर आता है। बहुत कम अरसे में इस टीम ने नाम कमाया अपना। बिल्कुल, दोनों चीज़ें आपकी हैं। और ऑफ कोर्स देखें, पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स पीएसएल को जिस तरह ब्रांड बनाया, आई थिंक इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। बिकॉज जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल कोई आइडियल कंडीशंस नहीं थी, और हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई हर्डल, बीच में कोविड भी आया, उसकी वजह से हमें यूएई दोबारा लेके जानी पड़ी पाकिस्तान सुपर लीग पर। आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमारे कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे डैरन सैमी हो गए जिस वक्त और कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए हम लोगों को। इसी तरह नेपाल की टीम ने जैसे आने पे मतलब अग्री किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि जहाँ तक एशिया कप की बात थी वहाँ पे आईसीसी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता था इंडिया पे, पर जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की बात है वहाँ पे इंडिया को बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेना पड़ेगा जहाँ पे वो आने से मना करेगा, अदरवाइज उनको आना पड़ेगा पाकिस्तान खेलने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को इंशाल्लाह सक्सेसफुली होस्ट करे, ताकि हमारे लोग जो इतना शौकीन है क्रिकेट के, और हर आपने मैच पर देखा है जनरली खूब क्रिकेट को आगे सपोर्ट करते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं कि इस तरह का एक बड़ा टूर्नामेंट है पाकिस्तान आए। सर अपना थोड़ा सा इंडिया पे बात करना चाहूंगा, वहां पर वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, आपको पता है सर वहां से खबरें भी आने स्टार्ट हो गई थी मीडिया की कि जी अब बार बार जो बीसीसीआई उसको रिक्वेस्ट की जा रही है उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज की कि जी अब वेन्यू को फिर चेंज किया जाए, डेट्स को चेंज किया जाए, हम वन बाय वन मैचेस जोन से हम जैसे कंटिन्यूस मैचेस हम जोन से उसको नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, खास करके पाकिस्तान के मैच को, जब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच है। तो सर उसके बारे में क्या कहें, क्योंकि इंडिया को शौक होता है बड़े टूर्नामेंट्स लेने का, अगर हम अपनी बात करें तो अल्लाह का शुक्र हम करवा चुके हैं बड़े टूर्नामेंट्स। मेरा पहला तबसरा इस पे ये माइंड बॉगलिंग कि यार हद हो गई है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, आप डोमिनेट करते हो पूरी दुनिया की क्रिकेट में, और आप वेन्यू अभी तक जो है ना वो शफल करने की सोच रहे, ये सब माइंड बॉगलिंग, आदमी बिलीव नहीं करता। इट्स अमेजिंग थिंग, इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ बीसीसीआई और जयशाह। तो मतलब है कि मैं इस हद तक कहने को तैयार हूँ, अलग है क्रिकेट में इस तरह की बातें नहीं चलती कि शर्म आनी चाहिए कि अभी तक ये हुआ ही नहीं है। पहले आपने उसको डिले किया, डिले के बाद आपने हेस्ट में और सिर्फ पाकिस्तान की खार में आपने मुख्तलिफ वेन्यू उठा के वहां पे मैच रख दिए। अब वो वहां पे वेन्यू अपनी स्टेट, और वो खुद ही कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी कैसे देंगे, ये मैच इधर कर दें वो उधर कर, अभी तक यही ड्रामेबाजी चल रही है। मतलब हद हो गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, और आपसे उसकी डेट्स नहीं डिसाइड हो रही, आपसे वेन्यू नहीं डिसाइड हो रहे, आपसे सिक्योरिटी के मैटर नहीं डिसाइड हो रहे। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, वही क्यों करवाया क्यों है आपने, और मतलब इतना करीब आ गया है, कभी वेन्यू चेंज कर देते हैं, कभी कहते हैं जी अच्छा इधर से उधर कर ले। लोगों ने देखे, फैंस ने होटल की बुकिंग करानी है, उन्होंने एंगेजमेंट्स करनी है, और फिर देखे टिकट खरीदने हैं, सारा कुछ करना है। अभी मैं हैदराबाद से सुन रहा था कि वो कह रहे हैं जी हमारे लिए मुश्किल है, वो अहमदाबाद में मसला। तो जब पाकिस्तान ने दो तीन चीजों पर कहा भी था कि अहमदाबाद में ना करवाएं हमारा मैच, हमारा कहीं और करा दे, पहले वो वाली डेट चेंज हुई है 15 से 14 आ गई है, पाकिस्तान के दो तीन मैच चेंज हुए और भी चेंज हुए, अब फिर वहां से यही आवाजें आ रही है। मुझे बिल्कुल आई एम रियली फ्लैबरगास्टेड कि यार इस तरह भी होता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड कप, आईसीसी और बीसीसी और ये सारे मिलके इतने महीने से इतने सालों से लगे हुए हैं। पहले आपको याद होगा कि ये काफी दिन पहले अनाउंस होना था, उसके भी इन्होंने कोई 3 या 4 हफ्ते डिले उसको किया, फिर भी हेस्ट में कर दिया, और जल्दी से उसने कर दिया कि ये वेन्यू है, ये डेट्स हैं, और वो अब उसमें कंफ्यूजन पैदा हो गई। पहले वो चेंज हुई है, 7-8 मैचों की डेट चेंज हुई है, वेन्यू चेंज हुए हैं, अब एक नया तमाशा वहां पे लगा। जितनी खबरें आ रही है ना इससे कंफ्यूजिंग, आप जितनी एमिनेट हो अपनी खबरें वहां से इंडिया से, ऑल कंफ्यूज है कि अभी भी सेटल नहीं। मैं रात को भी किसी से बात कर रहा था, वेरी सीनियर आईसीसी ऑफिशियल्स, और यहाँ पे भी वो कह रहे थे यार हमें तो बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है दुनिया में, लोग क्वेरीज भेज रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है, मगर मतलब जय शाह को शर्म नहीं आ रही, या बीसीसीआई को नहीं आ रही, या आईसीसी को कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि यार क्रिकेट इज नॉट सो इनडिसिप्लिन। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइंस पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक्स सीनियर मोस्ट मेंबर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा भी हैं, शकील शेख साहब, ज्वाइन कर रहे हैं। सलाम शेख साहब। सलाम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शेख साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज पे तो सर आना चाहूंगा, लेकिन
जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामला चल रहे हैं ज़क़ा अशरफ वगैरह को लेकर, सर इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मामला देखिए वो एक, मैं आपको बताऊं कि जब इंटरिम गवर्नमेंट लगी है तो उसमें एक लॉ बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने एक गाइडलाइन इशू की है। उस गाइडलाइन के जो पार्ट जी है उसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन पार्ट जी जो है उसमें वो ये कहता है और गवर्नमेंट को उसने डायरेक्शन दी है गाइडलाइन के तौर पे कि जी यहाँ जहाँ पे जिस अदारे में जिस डिवीजन में सूबे में और उसके नीचे जितने भी अदारे हैं उनमें अगर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आया तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाए और ताकि फ्री फेयर इलेक्शन करवाया जाए। अच्छा, उसमें फिर जाहिर है कि बहुत सारे अदारे इसमें हिट हुए हैं। अब ये क्रिकेट बोर्ड का भी उसमें आया तो फिर मेरा ख्याल है कि आईपीसी सेक्रेटरी को जब ये किया है गवर्नमेंट की तरफ से लेटर, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दो अपॉइंटमेंट जो है वो सियासी बुनियादों पर हुई, जिनमें एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़क़ा अशरफ साहब की अपॉइंटमेंट है और उन्होंने खुद लिखा है कि ज़क़ा अशरफ और उसके आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया पीपीपी। तो वो अब उन्होंने रिपोर्ट जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दी है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो सारे सूबों से सारे फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं इन सारों से एक रिपोर्ट कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन को देंगे और फिर उनसे एक डायरेक्शन ले लेंगे कि भाई इन सारों को हमने टर्मिनेट करना है। तो देन दे विल टर्मिनेट इफ इट इज प्रूव के भाई ये सियासी अपॉइंटमेंट थी अगर, और जैसा कि लग रहा है क्योंकि सेक्रेटरी ने जब यही सेक्रेटरी थे औरंगजेब साहब थे आईपीसी के सेक्रेटरी जिन्होंने ज़क़ा अशरफ साहब का मेरा ख्याल नोटिफिकेशन भी उस वक्त किया था और उस वक्त के जो मिनिस्टर थे मजारी साहब उन्होंने भी बार बार कहा था कि हमारी सियासी क्यादत ने हमें कहा है कि जी इनको लगाया जाए चेयरमैन पीसीबी। तो जाहिर है कि एक डेवलपमेंट है इस सिलसिले में और अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या ऑर्डर करता है, क्योंकि ये एक अच्छी खासी कंपाइल रिपोर्ट है गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं फेडरल गवर्नमेंट के या सूबों के और उनके नीचे जितने काम करने वाले इदारे हैं उन सारों की रिपोर्ट जाएगी इलेक्शन कमीशन से, वो ऑर्डर लेंगे और क्योंकि फ्री फेयर और न्यूट्रल इलेक्शन के लिए हुई थी। एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी हैं और साइमल्टेनियसली एमसी के मेंबर भी हैं मैनेजमेंट कमेटी, एक कॉन्फ्लिक्टिंग रोल है, या मैनेजमेंट कमेटी होगी या बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, तो इसलिए ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड लीगल इशू है। इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या फैसला करती है और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि न्यूट्रल है केयर टेकर है और आपको पता है कि एक सिस्टम के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के तहत आए हैं तो जाहिर है ही विल टेक ए फाइनल डिसीजन के इसमें क्या करना है, लेकिन जो भी आएगा जो भी जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आई विश ऑल द बेस्ट। इसका टाइम खत्म हो चुका है सर प्रोग्राम का, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आने वाले महीने क्योंकि एशिया कप भी है वर्ल्ड कप भी है और सीरीज भी है। सना और आपका दोनों का बहुत शुक्रिया, कल तक मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।